मुरादाबाद के थाना गलशेही क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस स्टैंड के पास एक गद्दा गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके कारण आसमान में धुएं का गुबार छा गया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख भगदड़ मच गई, क्योंकि गोदाम के बराबर में ही एक नर्सिंग होम में दर्जनों मरीज भर्ती थे, जिन्हें बचाकर बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई। नेशनल हाईवे 24 पर रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक स्थित अंशिका गद्दा गोदाम में उठते धुएं ने आसपास के लोगों में सिरहन पैदा कर दी, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही नोएडा के बड़े अस्पताल में एक आगजनी की घटना को लोग महसूस कर चुके हैं। दिन के 2:30 बजे के आसपास अंशिका गद्दा गोदाम से उठती आग की लपटों ने हाईवे के ट्रैफिक पर ही लगाम लगा दी, क्योंकि आग और आसपास फैले धुएं से लोगों को परेशानी हो रही थी। गद्दा गोदाम में लगी आग भड़कती ही जा रही थी, जिसे देखते हुए आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी, लेकिन गोदाम के पास मौजूद एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में आग का खौफ ज्यादा था। उन्होंने अपने अपने मरीजों को संभालते हुए बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड की भी 3-4 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच गई और हाईवे की साइड से अपनी सीढ़ी की मदद से फायर फाइटर्स ने अपना काम संभाला, लेकिन इसके बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आसपास के लोग अपनी छतों पर आग बुझने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक लगी आग ने लाखों रुपए के माल को जलाकर राख कर दिया। आग किस कारण से लगी ये तो जांच का विषय है, लेकिन हमको जो सूचना मिली थी कि आग लगी है, पीछे लकड़ी पड़ी है घर के परिसर में, उसमें आग लगी है। तुरंत हमने 2 गाड़ियां मूव करी, एक तो कटघर से और एक हेलट रोड से। दोनों गाड़ियों को तुरंत, अब मैं भी स्वयं आया, आकर देखा कि यहाँ पीछे गद्दे भी भरे हुए थे। ये जो मनोज अग्रवाल हैं, इनका ये आवास था, इनकी ये दुकान थी अंबिका अंशिका एंटरप्राइजेस के नाम से, और इसी में आग लगी थी। गद्दे भी रखे हुए थे इसमें, काफ़ी भयंकर आग थी, काफ़ी धुआं था भरा हुआ। हमको आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत भी हुई, लेकिन हमने फिर 2 गाड़ियाँ, हमने देखा कि आग काफ़ी भयंकर है, तो हमने 2 गाड़ियाँ और मंगाई। 4 गाड़ियों से हमने आग को लगभग आधे घंटे में कंट्रोल